इससे घटिया औरत मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। अच्छा देखो, जो एक कलेजे चबाने वाली औरत हिंदा, इस औरत नहीं है, ये हिंदा है, हिंदा, ठीक है। ये डू चार्जर का नाम मैंने रखा था ना, डू चार्जर, इसको मैं कहती हूँ नवाज शरीफ की खच, नवाज शरीफ की खच। इलेक्शन कमीशन की वीडियो उसके पास है, हमारे जजों की वीडियो उसके पास है, हमारे आर्मी वालों की वीडियो उसके पास है। वो वीडियो बना बना के ब्लैकमेल करती है, क्योंकि उसके खून में शामिल था, उसका दादा गुले वाला हारे वाला था ना। मियां इमरान खान के जब से जलसे शुरू हुए, उससे पहले की, मैं वैसे भी लाहौर में रहती हूँ ना। अच्छा। मैं हूँ मियां वाली से नहीं, आगे गाँव है ईस अकेल, वहां से हूँ। ईस अकेल से भी आगे गाँव है, मैं वहां से हूँ ना। और इमरान खान के हर जलसे पे होती हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान का हमेशा कहा है कि इमरान खान के साथ डट के खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वो तो फिर आपको गोली मार देंगे अगर आप डट के खड़े हैं, खड़े रहेंगे तो। एक गोली, ये मैं कहते हैं लाइन लगा दें गोलियों की ना, अगर वहां पे खड़ी ना रहूं, हिल भी जाऊं ना, तो कहना किसी नियाजी की बेटी नहीं थी ना। ये राणा सिनौला किसी भूल में होगा ना कि ये हमें डरा देगा ना। डरना हमारे ना खून में है और ना हमने डरना सीखा है ना। पहले खून में भी नहीं है, दूसरा मैं राजी की बेटी हूँ ना। हमने पहले कहा था कि इमरान खान के साथ वो लोग खड़े होंगे जो दलेर होंगे ना, और हमें पता है कि हमारा लीडर हक पे खड़ा है ना। डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बाकी सारे लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं, आप ग्राउंड के अंदर आके बैठ गई हैं, कब से खड़ी हुई थी आप, थक गई? मैं ना काफी देर से आई हूँ, काफी देर से। जब पहले तो रो रो के बुरा हश्र था, पहले अरशद शरीफ के लिए यानी कि खाना नहीं खाया गया मेरे से। मैं हल्फन कह रही हूँ ना, मैंने बेटी से कहा कि मेरे से खाना नहीं खाया जाता ना, यानी कि पूरी यानी कि वो उसके लिए उसके बच्चों के बारे में सोच सोच के ना। तो हमने फिर ये सोच लिया ना कि या ना हम कैसे क्रिमिनल लोगों में पाकिस्तान है ना, ठीक है। हमें 70 साल से पता है ये डाकू कातिल लोग है ना, ये चोर डाकू लुटेरे लोग है ना। 70 साल से आपने मुझे याद करवाया, सबसे पहले लियाकत अली खान को गोली मारी गई, उसके बाद बाकी लोग भी मारे गए, पता नहीं कितने वजीर आजम मारे गए, फिर भुट्टो उसका पूरा खानदान मार दिया गया, फिर बेनजीर के बाद अरशद शरीफ को बेनजीर के दरमियान में कई साफी उठा के ले गए, एसपी को इस्लामाबाद से ऑन ड्यूटी प्रोटोकॉल के साथ उठा के चले गए। अब आखिर में अब जब तक हम जिंदा है, खान साहब की बारी उन्होंने लगा दी है, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जब तक हमारा इंसाफ का सिस्टम सही नहीं होगा ना, कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो ये तो जो हमारा अदलिया का निजाम है, ये तो 1935 का कानून है। आज जिसको भी सजा होती है वो ताजी रहते हिंद 1988 1935 1940 के तहत होती है। अब पाकिस्तानी तो कोई कानून नहीं बने हुए, और जो घोड़ों के बनाए हुए कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। तो ये जो हमारे हद हराम बैठे हैं, जो पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, इजाशियां ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, तो कानून ये जो आ जाते हैं पीछे से आवाम के पैसे लूट लूट के MNA MP ये बन जाते हैं, और इन्होंने असेंबली में कानून पास करना होता है। जब ये ऐसे क्रिमिनल आप बिठाएंगे, जैसे आप 150 सीटें थी इमरान खान की, 155 सीटें थी और इनकी 80 सीटें थी, 80 वाला उठा के असेंबली में वजीर आजम बना दिया है, और जो 150 सीटें वाला उसको उठा के बाद भेज दिया है ना, क्योंकि आवाम वोट देती है किसी को, ये आगे भेज देते हैं किसी को। जब तक हमारा हमारे चीफ जस्टिस, जो हमारा अदलिया का निजाम है, जो हमारे इंसाफ काजी है ना, जब तक ये नहीं सही होंगे या जब तक ये इंसाफ के फैसले नहीं करेंगे, यही लाकानूनियत रहेगी। ये ऐसे ही भुट्टो, ऐसे ही अयूब, ऐसे ही वकील, ऐसे ही साफी, ऐसे ही अरशद शरीफ शहीद होते रहेंगे। अच्छा, हम तो सारे ऐसे शहीद होते रहेंगे, हमारे नसीब में शहादत लिखी हुई है। लेकिन मैंने सुना आप मरियम नवाज को बहुत प्यार करती हैं, आपने उसको इंग्लैंड भेजा, आपने उसको 70 लाख का कोट लेके दिया, आपने उसको 15 लाख का बैग लेके दिया, आपने उसको 10 लाख का जूता लेके दिया। आपको पता है आज मैं वैसे बहुत दुखी हूँ, इमरान खान को जो इन्होंने इमरान खान को जो गोली लगी है ना, वो मेरी फीलिंग है ना, सीधी दिल पे लगी है। ऐसे ही है, सीधी मैं कहती हूँ हर पाकिस्तान में सबके दिल पे लगी होगी ना। मरियम नवाज, अब मैं औरत हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अगर मैंने पहले भी मैं अगर इसके कहने पे आऊँ ना, तो इससे घटिया औरत मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। अच्छा देखो, एक कलेजे चबाने वाली औरत हिंदा, इस औरत नहीं है, ये हिंदा है, हिंदा, ठीक है। ये कलेजे चबाने वाली औरत है, ये लोगों के की वीडियो बना के ब्लैकमेल करके हमारे
इलेक्शन कमीशन की वीडियो उसके पास है, हमारे जजों की वीडियो उसके पास है, हमारे आर्मी वालों की वीडियो उसके पास है। वो वीडियो बना बना के ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसके खून में शामिल था, उसका दादा गुने वाला हारे वाला था ना, कि उनके खून में वही तरबियत होगी ना, वो वैसे ही वीडियो बनाने वाले काम करेगी ना। वो आप मरियम उसके उसको ना उसका मैंने एक नवाज रखा जैसे डड्डू चार्जर का नाम मैंने रखा था ना डड्डू चार्जर, इसको मैं कहती हूँ नवाज शरीफ की खच, नवाज शरीफ की खच। तो ये तो पंजाबी का लफ्ज है, हाँ। तो सराइकी और पश्तो बोलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो पंजाबी, उनको पटवारी को ज्यादा पंजाबी समझ आती है ना, हाँ। तो मैं पटवारी उन्हें कहनी है जेडी नवाज शरीफ की खाचे ना, और उनको गलती है खच खच गलती तो कोई फिर भी इंसान कहता है ना, क्या मुझसे गलती हो गई। खच जो होती है ना वो संभालने वाली चीज नहीं होती, वो खच ही है ना, ठीक है। उसने वीडियो बना बना के आर्मी को ब्लैकमेल कर, जजों को ब्लैकमेल कर, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर, ये हाल पाकिस्तान का कर लिया है ना, ये हाल पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का कर लिया है ना। क्योंकि आज ये गुंडे क्रिमिनल लोग हमारी असेंबलियों में ना होते ना, आज इमरान खान को यूं गोलियां मारने की किसी की जरूरत ना होती। ये सीधा सीधा ये पीडीएम वाले इन गोलियों के जिम्मेवार हैं।